वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो सोची अभी जाके लेके आया हूँ, कॉफी वगैरह पीनी थी, दूध वगैरह नहीं था कंचन, और काफी दिनों से ना ये केक वगैरह फ्रूट केक खाने का उसका मन कर रहा है, क्योंकि चॉकलेट की क्रेविंग हो रही थी, वैसे तो उसको गुलाब जामुन की बहुत क्रेविंग हो रही है, लेकिन अभी मेरे को वहां पे दिख गया हमारे जहाँ पे स्टोर से, यहाँ पे तो बेकरी शॉप है वहाँ का अच्छा ही होता है सामान, इसलिए फिर मैं अभी ये फ्रूट केक, फ्रूट नहीं सॉरी चॉकलेट केक है, देखते हैं पसंद आता है नहीं आता। वैसे तो मेरे को लगता था ये उम्मीद करनी रहती है मेरी भी खाने की चीज लाई हुई कंचन को पसंद आ जाए। क्या कर रहे हो? ये मैं दूध में पानी मिला रहा हूँ। हाँ। बाहर तो हम सहते नहीं है कि और मिला दे कोई। हाँ। हम जरूर मिला लेते हैं घर में दूध में मिलावट। और ये लो जी, ये मैं आपके लिए ले गया हूँ, आपको कल से क्रेविंग हो रही थी इसकी, आपको फ्रूट केक की भी क्रेविंग हो रही थी, चॉकलेट की भी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने दोनों का मिक्सचर लिया है, बट ये चॉकलेट केक है, फ्रूट केक नहीं है। फ्रूट केक ही लिया, चॉकलेट वाले में एगलेस है, एगलेस है जी वाला, अच्छा होगा चॉकलेट वाला, बेकरी वाला अच्छा सामान देता है, तो मेरे को लगा अच्छा रहेगा। तुमको चॉकलेट की भी हो रही थी ना, मेरे को फ्रूट केक फ्रूट वाला नहीं था वैसे। हाँ, पर तुम चॉकलेट भी खाते हो ना, टूटी फ्रूटी केक होते ना वो अच्छा होता है, पता है ज्यादा अच्छा है चॉकलेट वाला, तुम्हारे को चॉकलेट अच्छी लगती है। अच्छा, ये तुम जो इसके ऊपर चिपका देते हो स्टिकर, मैं सोचू बार बार अपने स्टिकर कैसे चिपक जाते हैं इसके ऊपर, मैं उतारती रहती हूँ, तुम चिपका चिपका के रख देते हो। कॉफी फ्लेवर है फिर तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, बट अच्छा है टेस्ट, कॉफी वाला मतलब कॉफी चाय के साथ खाया जाएगा, अच्छा है है ना, बट मुझे वही पसंद है, लेकिन फिर भी तुमको पता है घर में बार जाते हो तुमको पता है, घर में घुसने से पहले मैंने बोला था कि मेरे को पता है वैसे तो मेरे को उम्मीद कम ही है इसको पसंद आएगा, क्योंकि इसकी मेरी लाई हुई चीज तो कम ही पसंद आती है। उस दिन मैं तुमको नान खटाई बोली थी, तुम क्या उठा के ले आया था चॉकलेट नान खटाई, बड़ी बड़ी वेस्ट गई, फेंकनी पड़ी क्योंकि मैंने खाई नहीं, क्योंकि वो टेस्ट ही कड़वा था। अच्छा है क्योंकि मुझे कॉफी नहीं पसंद ना ज्यादा, मुझे पसंद ही नहीं है ना, तो इसलिए कॉफी वाला ही है ये सारे के सारे। अब जैगरी वाला जो पटियाला में खाते हैं मुझे कितना पसंद है वो, जैगरी तो मैंने पूछा था थाने वो जैगरी केक, लेकिन वो भी दिखने में चॉकलेट जैसा होता, बट मेरी बात सुनो तो वो टेस्ट होता है, ये चॉकलेट ये वाला फ्लेवर। अब अगली बार से कुछ भी क्रेविंग हो ना तुमको, तो एक्टिवा उठा के चले जाना, और यार उसकी दुकान पे कौन मेरे को गुजिया दिखे, गुजिया गुजिया देखते ही खाने का इतना मन हुआ ना मेरा, क्योंकि हम होली पे खाते थे जब छोटे होते थे, मैं लेके तो आऊंगा दो चार पीस इसके पास। रसगुल्ला थे क्या? नहीं। हाँ मिठाई की दुकान है इसके पास, होंगे बेकरी और मिठाई भी रखते है ना। गुलाब जामुन की क्रेविंग रहेगी, वो मैं लेके नहीं, तो अपनी जगह से अपनी पसंद से मंगा लेना। विंटर्स के अंदर गरम गरम गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, फिर गर्मियों में तो खाए नहीं जाते हैं, सर्दियों में गुलाब जामुन टेस्टी लगते हैं, गरम गरम होने चाहिए मस्त, ठंडा ठंडा वेदर में टेस्टी लगते हैं, तो अभी फिर वैसे भी ठंडी जा रही है तो फिर मन भी नहीं करता खाने का, मैं तो जाती हूँ सर्दी में दो एक बार ही खाया जाए। चलो चाय बना लो। शिट ओले, अरे बहुत गंदी लाइट आई थी एकदम से, ओले पड़ रहे हैं शीशों पे, आवाज देखा कैसे आ रही है, बहुत ज्यादा तेज भाई, क्या हो गया यहाँ पे, अब हर बार यही होगा क्या स्नोफॉल, पता नहीं, ये देख लो कितना अलग ही वेदर हो गया, कंचन देखना बरस ये ओ भाई साहब, यार इतनी खतरनाक नहीं देखी बारिश मैंने ओलों के साथ, ओए कंचन जल्दी आ, यहाँ पे गए हैं, अरे बाप रे, वो देखो कैसे जा रही है भाई साहब, इतनी खतरनाक बारिश तो आज तक नहीं हुई यहाँ पे, इतनी तेज बजी ना, इतनी ज्यादा तेज डर गए कंचन ने, एक्चुअली एयर फ्रायर में कुछ रखा हुआ था, डब्बा डब्बा ये देखो ये सारे ठंडे ठंडे ओले, बारिश हो रही है बहुत तेज, ओले तो पड़ने बंद हो गए। So guys, आज बना रहे हैं मैंने राजमा चावल लंच के लिए, और बहुत टेस्टी बने हैं यार जी। हमारी बिल्डिंग की चल रही है मरम्मत, थोड़ी सी पाइपिंग वगैरह की, मेरे को तो देख के डर लगता है, देखना कैसे बिना सिक्योरिटी के भाई देखो पाइपिंग वगैरह काम चल रहा है, इनको देख के तो ऐसा डर लग रहा है कि मैं ना गिर जाऊँ यहाँ खड़ा खड़ा।
इतनी पतली सी रस्सी के साथ टिके हुए हैं और ये पूरा इसी से ऊपर चढ़ते करते हैं, एकदम तो इसी पे चढ़ रहे थे पन्ने पे। ये देखो कैसे नीचे जा रहे हैं, तो सब खतरों के खिलाड़ी हैं इसलिए। तो क्या हो गया तुमको? वॉक करके चक्कर आ गया? हाँ, अभी तो तुमने एक चक्कर, अभी तो तुमने एक गेड़ा और लगाना था। हाँ, बट टांगे हो गए। मेरे को चैलेंज करती हो बस तुम, मेरे को दिखाते हो बस तुम, बस तुम इतने में थक के खुद का पता नहीं अंदर से क्या हो रहा होता है। कल बुखार फील हो रहा था, आज चक्कर आ रहे हैं। सो अभी गर्मी लग रही है, अभी जस्ट वॉक करके आए हैं, अभी जा रहे हैं हम कुछ सामान वगैरह लेने जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा सामान है, पैदल लेके आ नहीं सकते। जो है वो हमारे खत्म है। चलो बैठो फिर, ठीक हुआ क्या? हाँ ठीक है, वो यहाँ पे हल्का सा हो जाता है। चलो सब ले लो सब्जी वगैरह। कंचन बैंगन नहीं लेने? नहीं बैंगन नहीं, बैंगन का भरता बन जाता है। और ये मोगरा होता है, ये मोगरा, वो उसकी बहन सिंह। कितने छोटे छोटे सेलिंग ना है ना, भिंडी ले लो भैया। मटर याद है आपको, दिन लेके गई थी बड़े टेस्टी से। चल गया मैं, वो बीटरूट ही है वही वाले, पक्के तो नहीं है? नहीं नहीं, मटर कैसे थी? तो अभी जो लेके आए हैं सब्जियों का, और हम ये भी ले आए आपको, एक्चुअली गार्लिक ब्रेड जैसे बनाने के लिए लंबे वाले ब्रेड हैं, इसमें बटर ले, चीज ले, गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। गार्लिक को थोड़ा सा देखते हैं रोस्ट करके कैसे करना है, बहन से पूछेंगे, उसने बनाया था अभी थोड़े दिन पहले ना। सो जी ये देखिए, अब कर रहे हैं यहाँ पे लहसुन मैश। हमने अपने सिस्टर से थोड़ी रेसिपी पूछी हाँ, गार्लिक ब्रेड की। 15 कलियां हम इसके डाल रहे हैं क्योंकि हमारे ब्रेड बड़े हैं ना, ये वाले हैं लंबे वाले, बट इसको हम एयर फ्रायर में बनाना चाहते हैं। हाँ यार, ब्रेड राजवीर ये लंबे हैं तो मुझे लगता है लहसुन कम पड़ेगा, फिर लहसुन कम पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार। अरे बाप रे, आधा लहसुन वेस्ट कर दिया नीचे गिर गया। बता दो सही करना पड़ेगा आई थिंक लहसुन, और क्योंकि ये ब्रेड देखो ना बड़े लंबे लंबे से हैं, हो जाएगा इतने पहले में? वो थोड़ा सा बना लेते हैं इसका जो होता है ऊपर मटेरियल लगाने वाला, बटर बुटर डाल के कम लगेगा तो और डाल लेंगे। ठीक है ओके। और हम ये चीज भी लेकर आए, चीज भी हम लोग करेंगे इसके ऊपर टेस्टी से। नमक और इसके अंदर सॉल्ट क्या क्या डालेगा? रेड चिली पड़ी एक तो थोड़ी सी वो डाल लेना, ब्लैक ओरिगानो, ओरिगानो है, ओरिगानो है हाँ पड़ा है, बस ओरिगानो वो थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल नमक। सो जी ये देखिए हो चुका है मसाला रेडी, बटर कम तो नहीं लग रहा? नहीं, इसमें हमने ओरिगानो बटर हाँ ये सब डाल के मसाले सारे ऐड कर लिए हैं, थोड़े से मसाले थे, ज्यादा पिघलाया नहीं, वो अपने मेल्ट हो जाएगा जब हम लगाएंगे ना उसमें। थोड़ा सा ऐसे रखते हैं पहले, ये बनाते हैं इसमें थोड़ी सी आराम, इतना सारा इतना मत लगाओ राजवीर, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ अच्छे से हो गया मैश, दिखाना यार कितना अच्छा लग रहा है यार। अब इसके ऊपर हम ये है चीज आधी डाल लो ना, उसको क्या करना है उसमें पानी, उसमें बनाना मैं करती हूँ, तुम हटो अब मेरा काम है आगे। आधी टुकड़ों में आधी ऊपर रख दो आधी नीचे, हाँ या हाफ हाफ। अब इसमें थोड़ा सा बटर डाल के वो करो ना, थोड़ा सेकेंगे ना इसको, इवन साइड हो तो पानी के तो छींटे डाल दो ना, ये स्टीम में हो जाते हैं, मैट हो जाते हैं। कंचन ने बोला इसमें ट्राई करते हैं, अदरवाइज मैं तो डालू पानी के छींटे, ओरिगानो ओरिगानो करो, एयर फ्रायर में भी हो जाएगा, करना एयर फ्रायर में, सॉरी करें एक एयर फ्रायर में करके देख लेते हैं ना, एक इसमें देख लिया एक उसमें देख लिया। कितनी अच्छी लग रही है ना, मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें डर है पिघलेगा नहीं, पिघल जाएगा, एयर फ्रायर में कर लेते हैं, एक एयर फ्रायर में करके देख लेते हैं ना। चलो इस बार ये वाला तुम बनाओ, ये वाला ब्रेड तुम बनाओ, एयर फ्रायर में वो रखना है क्या बटर पेपर? बटर पेपर की जरूरत है, तुम बताओ रखना है? हाँ रख लेंगे ना, मेरे ख्याल से मसाला तो ज्यादा ही बन गया, अच्छे से लगा लो, दो ब्रेड और पड़े हैं ना अपने पास, और मैंने यही ब्रेड्स देखे थे तभी देखते ही ना मैंने ले लिए, वीडियो में देखे थे कल ही, मैंने कहा यार थोड़ा उस पे भी ध्यान रखो।
लाओ इसको मैं रख देता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं कौन सा अच्छा बना है। फ्राई वाला कर लेते हैं पूरा, फिर देखते हैं कौन सा ज्यादा अच्छा बना है। हमने एयर फ्रायर में रख दिया क्योंकि इसमें वो चीज़ पिघल नहीं रहा था, बार बार देख रहा हूँ बस चीज़ पिघल रहा है, एक बार लगेगा इसको भी टाइम ना। यहाँ पे बाकी हमने ब्रेड वगैरह तैयार कर लिया, हाँ ये सारा सिले पीसी में खत्म कर दो, पूरा एग्जैक्ट बन गया जितना चार ब्रेड के लिए बनना चाहिए था। तुमने लिए इसकी कर लिया 15 थी, 15 थी, मैंने बोला चार ब्रेड थे उसके बाद छोटे वाले होते ना चौरस वाले अपने लंबे है ना। एक्चुअली जो अपन बाहर से जब खाते हैं गार्लिक ब्रेड्स वो यही तो होते हैं, लंबे वाले होते हैं, इसी पे गार्लिक लगा होता है और चीज होती है इसी पे, फिर वो बनते हैं। मैंने देखा था इस पे भी बन जाते हैं, वो पानी वो करके वो स्टीम में हो जाते हैं ना, थोड़ा पानी भी छिड़के देख गए तो वो स्टीम में फिर चीज मेल्ट हो जाती है इससे ना। वैसे उसमें इस वाले में देख लेते हैं ना एक बार, पिघल रहा है चीज। सो जी देखते हैं, अभी थोड़ी देर हो गई है। हाँ ये देखो कंचन देखो, निकाल लूं और करना है देनी थी चीज ताकि वो नीचे भी बिखर जाए, और करना है तुम बताओ मुझे तो लग रहा है वो ये बस 2 मिनट रह गए ना, मस्त लग रहा है ना राजवीर यार। थाली कर ली मैंने अपने, काट के फटाफट खाया, कब से यार इतने दिन से मन कर रहा था मेरा गार्लिक ब्रेड खाने का, बट मैं घर पे बनाना चाहती थी, बाहर वाले तो आते थे तो अभी हो जाते, बाहर से तो अभी बंद कर रखा, तो मैंने कहा था कि घर पे बनाएंगे। कब से लहसुन हमारे पास इतना छोटा छोटा था ना तो मिल भी नहीं रहा था बड़े वाला, आज बड़ा लहसुन मिला तो इसलिए फटाफट हमने बना लिया और ब्रेड भी मिल गया जो चाहिए था। निकाल लो इसको हाथ से, हाँ ऊपर ऊपर से गर्म होने इतना नहीं होगा, गर्म है क्या उससे क्रिस्पी पूरा वो देखो। कट कर इतना क्रिस्पी नहीं होता ये, तब तक मैं ये 2 रख देता हूँ, हो जाएगी क्या 2 की जगह। ये देख राजवीर हो ही गई, ये देखो क्या कितने मस्त से ये देखो मेल्ट दिख रहा है, ये यहाँ भुन गया था ब्राउन हो गया था तो वो भी अच्छा है। गरम है बट अभी गरम गरम चीज लगा बट टेस्ट बहुत अच्छा है यार, बहुत ज्यादा। राजवीर सच्ची बता रही हूँ ये वाले ब्रेड लेके ही बनाना, अगर बहुत मजा दीदी आप भी यही बनाना लंबे वाले ना, हाँ ये वाले ब्रेड लेके बनाना, ये बहुत बढ़िया वही वाली फील आएगी बाहर वाली, वो जो नॉर्मल ब्रेड पेपर बनाते हैं जो खाते हैं वो वाली फील नहीं, इस पे तो बहुत सही पूरा ऐसे लग रहा है बाहर वाले हैं। अब खाओ टेस्टी हो रहा है यार, कितना ज्यादा टेस्टी है राजवीर ये ये हमारा जब हम पास्ता के साथ खाते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत ज्यादा सच्ची कह रही हूँ, आप लोग ट्राई करना एयर फ्रायर के अंदर अगर है तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार ये वाला सच्ची।